हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक हीरो होंडा का पैशन गाड़ी आया है, तो इसका गियर फंस गया था, चलते चलते गियर फंस गया था। तो हम क्लच साइड खोले हैं इसको चेक करने के लिए कि या इस साइड कोई टूटा उटा है। तो इधर देखने के बाद गाड़ी जो है इधर पूरा टोटली सेट पूरा जाम लग रहा है, कोई टूटा अंदर कोई पिनियन टूट गया होगा, तो इंजन को पूरा खोलना पड़ रहा है। चलिए अभी गाड़ी को खोल के देखते हैं कि क्या टूटा फूटा है। लगता है कोई पिनियन वगैरह टूट गया है और जाम हो गया है। तो आज इसका हम पूरा वीडियो बनाएं और आप लोगों से शेयर करेंगे कैसे इसका काम कर रहे हैं, कैसे इसका ठीक कर रहे हैं हम, और क्या क्या चीज़ टूटा है। तो चलिए पहले सब खोल के धो धा के फिर चेक करेंगे कौन सा चीज़ टूटा है। सब कुछ अभी धुलाई चल रहा है, पहले सब अच्छे से धुलाई होगा फिर चेकिंग होगा कौन सा चीज़ ख़राब है, कौन सा चीज़ टूटा है। अभी मेरा सब पार्ट्स जो है सब अच्छे से धो लिए हैं। पिनियन कौन सा पिनियन टूटा है, क्योंकि इसका शाफ्ट पूरा जाम था, हमने ये सब सैप अभी चेक किए। चेक करने के बाद देख रहे हैं कि इसका जो 3 नंबर पिनियन था और ये वाला जो ये सिलेक्टर है, सिलेक्टर पूरा खा गया है, नीचे तरफ से पूरा घिस गया है। तो ये वाला सिलेक्टर हम चेंज करेंगे, ये पार्ट एक चीज़ चेंज करेंगे पहले। और ये वाला है ऊपर का एक पिनियन है, ये पिनियन भी पूरा रगड़ गया है, इसको भी चेंज करेंगे। ये वाला जो पिनियन है, ये पिनियन भी इसका ही मेन प्रॉब्लम है, ये वाला पिनियन ही क्रैक हो गया है, जिसके कारण दो पिनियन आपस में नहीं घूम रहा था, इसके कारण लॉक हो गया था। ये देखिए इसका पूरा एकदम टूट गया है ये वाला पिनियन। अभी देख सकते हैं ऐसे पिनियन चलता है। तो वो वाला जो इसका घर बना हुआ है पिनियन का, वो घर में ये दो पिनियन अच्छे से नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण लॉक हो गया था। तो हम नया लेके आए हैं, ये वाला पिनियन सब ओरिजिनल है हीरो का। ये दो पिनियन और एक तो सिलेक्टर चेंज कर रहे हैं, और एक सिलेक्टर इसका अच्छा था। चलिए अभी फिटिंग करते हैं, सब गियर और लगा लिए और गियर कैसे बैठाते हैं उसका हम शॉर्ट वीडियो डाले हैं, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, खाली पार्ट टू पार्ट कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम काम करते हैं वो आप लोग देखिए। साफ सफाई के साथ हम काम करते हैं, जितना साफ सफाई से काम किया जाएगा उतना अच्छा रिजल्ट भी आएगा। और हम जो काम करते हैं एकदम टोटली जो भी काम करते हैं बहुत साफ सफाई से काम करते हैं, क्योंकि इंजन का जो काम है वो साफ सफाई वाला ही काम है आराम से, क्योंकि बार बार तो खोला नहीं जाता, अंदर से पूरा रस्टिंग वस्टिंग जो होता है एकदम अच्छे से एकदम क्लीन व्लीन करके फिर काम करते हैं। यूट्यूब पर मेरा ये इंजन जो है पैशन का इंजन, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मतलब इंजन का कोई भी वीडियो हम नहीं डाले हैं, खाली क्लच का डाले हैं और टाइमिंग चेन लगाने का डाले हैं। अभी फुल इंजन का जो रिबिल्ड है, इसका जो तरीका है प्रोसेस है, मेरा जो प्रोसेस है वो हम दिखा रहे हैं, ये पहला वीडियो है मेरा। तो देखिए कैसा बना रहे हैं हम, और काम अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ है ही नहीं। वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत टाइम लगता है एडिटिंग करने में, तो हम अकेले एडिटिंग करते हैं, उतना अभी जानकारी नहीं है जैसे कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए, और नया नया वीडियो लाएंगे, जो भी काम करेंगे आप लोगों को सब दिखाएंगे कैसे कैसे कर रहे हैं हम काम, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अभी इसका मेन चैम्बर तो फिट हो गया पूरा, और इसका जो पिस्टन है अभी पिस्टन को सेट करेंगे हम। इसका अलग नहीं किए थे, हेड को अलग नहीं किए थे, क्योंकि मेरा जो काम था वो गियरबॉक्स का था, इसलिए हम इसको पूरा निकाले थे। पिस्टन को अलग नहीं किए थे, हेड के साथ हेड को अलग नहीं किए थे, क्योंकि हमको वाल्व पल्प का कुछ काम नहीं था, हेड का कुछ मतलब काम नहीं था, इसलिए
नहीं खोले थे। ब्लॉक से इसका पिस्टन भी हम नहीं खोले थे क्योंकि ब्लॉक को अगर पिस्टन को खोल देंगे तो रिंग घूम जाएगा। गाड़ी तो नहीं धुआं नहीं मार रहा है, फिर अभी धुआं का समस्या आ जाएगा, तो इससे हम पिस्टन को नहीं खोले थे। क्योंकि जो इसके कस्टमर था एक साल पहले इसका पूरा इंजन का काम किए थे, गियर का काम नहीं हुआ था जिसके कारण गियर में प्रॉब्लम था, बाकी इसका सब कुछ ठीक है। कभी पूरा ऊपर तक भी लगा दिया है। अभी हेड तो फिटिंग कर लिए, अभी चलिए अभी इसका क्या टाइमिंग है हम टाइमिंग दिखाएंगे कैसे हीरो होंडा का टाइमिंग करते हैं। जितना भी 100 सीसी का बाइक है हीरो होंडा का उसमें क्या टाइमिंग होता है वो टाइमिंग हम इस वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक हीरो होंडा का हम टाइमिंग का वीडियो नहीं डाले हैं, इसलिए अभी ये जो पहला वीडियो है हीरो होंडा का फुल इंजन रिवील्ड, इसमें हमको टाइमिंग मतलब इसमें हम टाइमिंग दिखाएंगे कैसे करते हैं। ये रोलर बैठा लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए जो क्रैंक शाफ्ट है इसमें एक चाबी घाट बना हुआ है मैग्नेट का, ये चाबी जो है एकदम सीधा रहेगा इस साइड आगे की तरफ इंजन की तरफ हेड की तरफ सीधा रहेगा, और ये जो क्रैंक है मतलब कैम शाफ्ट है कैम शाफ्ट भी ऐसे ही सीधा रहेगा, और इसमें एक मार्का बना हुआ है जो टाइमिंग का स्पॉकेट है इसमें एक मार्का बना हुआ है, और टाइमिंग का मार्का भी इस पॉकेट का मार्का आगे तरफ रहेगा एकदम सीधा सीधा रहेगा। चाबी का घाट जो है इसका मैग्नेट का वो भी इस साइड आगे तरफ रहेगा, इसका मुंह आगे तरफ रहेगा, और इसका जो टाइमिंग का स्पॉकेट है वो भी मुंह आगे तरफ ही रहेगा। बस यही है इसका टाइमिंग, बस मार्का मिलाना होता है बस और कुछ नहीं, और सही टाइमिंग रहेगा तो गाड़ी का ट्यूनिंग व्यूनिंग जो है वो एकदम परफेक्ट रहेगा, पिकअप भी एकदम परफेक्ट रहेगा, बस एकदम ऐसा सीधा। इसका टाइमिंग हम कर दिए पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से, एक भी थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ। चलिए अभी कॉइल प्लेट डाल लेते हैं, हम इसमें बॉन्ड लगा रहे हैं, बॉन्ड अच्छे तरीके से लगा दीजिएगा नहीं तो लीकेज हो सकता है।
अभी देखिए इसका जो टाइमिंग है, वो जो टाइमिंग है इसका T1 टी मार्क जो लिखा हुआ है वो भी एकदम प्रॉपर है, एक भी 19-20 थोड़ा भी नहीं है, एकदम सेम सेम है, पूरा एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। टाइमिंग एकदम सही रहेगा तो गाड़ी का मौसम भी बहुत अच्छा बनेगा। चलिए मैग्नेट तो लगा लिए, इसका नट भी टाइट कर देता हूँ। इंजन तो फुल तैयारी हो गया है, कंप्लीट हो गया, और थोड़ा बस हेड का जो है टाइमिंग प्लेट मैं पैकिंग अभी लगा रहा हूँ। इंजन का जो काम है बहुत सावधानी से करना पड़ता है, अगर थोड़ी भी इधर उधर होता है तो फिर दोहरा खोलना पड़ेगा, इसीलिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। चलिए अभी सब कुछ फिट कर लिए हैं, स्प्रॉकेट भी अच्छे ही घूम रहा है, अभी गाड़ी में चढ़ाएंगे, इंजन को उतार लिए, मतलब गाड़ी को सामने लाए हैं, उसका चेंजिंग उसी सब कुछ साफ सफाई कर लिए हैं, बस गाड़ी में डाल के आपको स्टार्ट स्टार्ट करके दिखाते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए गाड़ी का साउंड कैसा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ पार्ट्स हम चेंज की नहीं किए हैं गाड़ी का, खाली गियर का काम हुआ है बस। अभी देखिए इसका गियर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखिए एक नंबर गियर डाले, ठीक है, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, बस एकदम सही तरीके से काम कर रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, एकदम फुल ओके है। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो को देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो मिलते हैं।